वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं वृंदावन एंड सबसे पहले तो हम बठिंडा जाने वाले हैं क्योंकि बठिंडा से ही ट्रेन है एंड 12:45 है। सो अभी हम बठिंडा के लिए निकलने वाले हैं, ट्रेन पे ही निकलेंगे एंड भाग के फटाफट से ट्रेन पकड़नी है हमने। एंड मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा एंड सिस्टर के साथ। सो हमारी पैकिंग एंड ऑल सब कुछ डन हो चुका है एंड यस, मैं रेडी हूँ। मैं ना 5 घंटे पहले रेडी हो चुकी थी। एक्साइटमेंट, यू नो, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हद से ज़्यादा, कि 5 घंटे पहले ही रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी तक मम्मा और मेरे सिस्टर रेडी नहीं हुए हैं। एंड पीछे आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि आएगी यार, अब क्या करूँ, मैं माइक भी नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं अटैच कर सकूँ एंड उस पर बोल सकूँ। सो यस, बस मुझे अपने बैग का ध्यान रखना है एंड जितना हो सके बंदर से दूर रहना है, ये मेरे पापा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है। सो यस, अभी हम चलते हैं। अभी हम तो नहीं चलेंगे वैसे, बाय द वे रुक के चलेंगे, अभी 15 मिनट बाद चलेंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग। सो यस, अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे हमें मिलने एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप एवर। खाने के लिए यहाँ पे हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है। मम्मा हाय बोलो, आ जाओ, शर्माओ ना। हाय, राधे राधे। राधे राधे। जितना हो सकता है ना उतना तो अवॉइड करेंगे ही बाहर का खाना, एटलीस्ट एक दिन के लिए तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे खाना हमारा पैक हो चुका है, स्टेशन पे खाएंगे बैठ के आराम से, मज़े से। अच्छा, चलने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि हम सही सलामत यहाँ पे घर पे वापस आ जाएं, कृष्ण भगवान जी के दर्शन करके हर जगह से खुशी खुशी वापस आ जाएं। यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि पैदल जाने के कार में जाने चलो, ठीक है। हेलो, बाय युवराज, थैंक यू, बाय, राधे राधे। तो सखियों, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन एंड पकड़ ली है मैंने फाइनली ट्रेन बठिंडा के लिए। और यहाँ पे मैं आंटीज़ के साथ जा रही हूँ, मम्मा भी है मेरे साथ में और ये सारी आंटीज़ जो है वो मेरी मम्मा की फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पे हम मौज मस्ती करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए एंड काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए, खाते पीते हम जा रहे हैं बठिंडा की ओर। और हमारी ट्रेन है 2 आवर्स लेट। सो यस, हम पहुंच चुके हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन बठिंडा के एंड हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटे बाद है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं नीचे बैठ के ही, और वेटिंग हॉल थोड़ा दूर है, दैट्स वाई अभी हम यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे ही आ गए हैं, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से हमारी ट्रेन आएगी एंड वी विल गो फ्रॉम हेयर एंड यहाँ पे आई शो यू कि हम सारे कैसे बैठे हैं। ओके, हम यहाँ पे बैठे हैं एंड यहाँ पे खाने पीने का सामान खोल रहे हैं। हम सभी लोग डिनर लाए थे अपना अपना एंड यहाँ पे हमने खाना स्टार्ट कर दिया। मिलजुल के जब खाते हैं ना तो खाया भी ज़्यादा जाता है एंड मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ ट्रेन पे एंड मुझे बाय चांस लोअर बर्थ मिला है, तो आई फील लकी राइट हेयर। सो यस, आई विल सी यू टुमारो एंड यस, गुड नाइट। अरे गाइस, तो अभी हम मथुरा पहुँचने वाले हैं एंड बस आधा घंटा रह गया एंड मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई रात में, और मैं धीरे इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि बहुत थकान है। सो बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि चोरी होने का डर रहता है यार, कि कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, तो उसको बचाने के चक्कर में नींद की बैंड बजी हुई है। आप मेरी आईज से पहचान सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। सो यस, ट्रेन चल रही है एंड हम पहुँच जाएँगे आधे घंटे तक मथुरा। सो यस, वृंदावन मथुरा एंड मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे पहुँच के हम निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए और करेंगे ऑटो। तो चलिए चलते हैं इकट्ठे वृंदावन। राधे गाइस, तो हम हो चुके हैं रेडी एंड हम आश्रम में आ चुके थे एंड मेरे मम्मा जो हैं वो थोड़े से बीमार हैं। सो अभी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, खाना खाने के लिए जाना मैंने। सो यस, रास्ते में वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हम खाना खाएंगे एंड थोड़ा सा मार्केट पे एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर है। तो चलो चलते हैं खाना खाने। खाना खाने के लिए हम यहाँ पे आए थे गौरी गोपाल आश्रम में एंड यहाँ पे लंगर वाली लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी थी, बट आई वुड हाईली सजेस्ट अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो गौरी गोपाल आश्रम में एक बार तो लंगर पक्का ही करना। तो यहाँ पे मैंने लंगर ले लिया है एंड मैं आराम से खाऊंगी अब।
राधे 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 राधे। आज हम आए हैं, फर्स्ट डे है हमारा वृंदावन में और हम आए हैं मार्केट एक्सप्लोर करने और अनफॉर्चुनेटली हमें मार्केट जो है वो मिल नहीं रही है, सो हम अभी लोकेशन सर्च करने वाले हैं एंड मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस्कॉन मंदिर वाली साइड पे ना यहाँ पे गोपी ड्रेसेस वगैरह मिल रही थी, तो आप डेफिनेटली अगर आप घर से नहीं लेकर आए हो ना तो यहाँ से तो स्कर्ट डेफिनेटली बाय करना, बहुत ही अच्छी लगती है वृंदावन में गोपी ड्रेस पहनी हुई। तो यहाँ पे बहुत ही सही वाले रेट पे आपको गोपी ड्रेसेस मिल जाएंगी एंड मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो बिल्कुल इस्कॉन मंदिर के सामने करके आ चुके हैं। बंदर बहुत ज़्यादा हैं एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि अपना मोबाइल एंड चश्मा अपने बैग के अंदर रखें एंड बिल्कुल भी मत निकालें। और मैं तो पागल हूँ जो कि वीडियो शूट कर रही हूँ एंड इस चक्कर में मैं मोबाइल को पकड़ा हुआ है एंड बंदर कहीं से भी टपक सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड यस, अभी हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ और धूप बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से कल ठंडी थी ना, आज बहुत गर्मी है यार। चलो, ओह माय गॉश। A few hours later. Guys, so अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल एंड प्रेम मंदिर और मैंने पहनी है गोपी ड्रेस जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कुछ टाइम बाद। एंड यहाँ पे मैंने बोतल भी कैरी की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी एंड बंदर इधर उधर काफ़ी ज़्यादा है, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो रस्ते में मैं इस वजह से ही व्लॉग नहीं करती क्योंकि बंदर मेरा मोबाइल छीन के ना ले जाए। सो यस, मैं आपको वहाँ पर मिलूँगी। राधे राधे। इस्कॉन मंदिर में आप मेडिटेशन रूम में पक्का जाना, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप चलता है 108 बार, तो वो पक्का करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डांस किया कृष्ण भगवान जी के सामने, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो आई थिंक किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप वृंदावन आए हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम प्रेम मंदिर की ओर चले गए, प्रेम मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश था पर जैसे तैसे करके हम प्रेम मंदिर के अंदर तो आ गए, बट जो मेन दरबार है वो उसके दर्शन हमारे नहीं हो पाए क्योंकि एक्सट्रीमली रश था। काफ़ी अच्छा फाउंटेन शो चलता है, 7:30 से लेकर 8 बजे तक फाउंटेन शो होता है जो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, आपके सिर्फ और सिर्फ आंखें नम रहेंगी एंड बस रोना आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, कृष्ण भगवान जी और राधा रानी के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। कौन मंदिर एंड प्रेम मंदिर एक ही सड़क पे है तो आप एक दिन में इसको कवर कर सकते हो। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा परचेज की जो मैं आपको दिखाऊंगी डेफिनेटली। तो गाइस अभी प्रेम मंदिर जाके आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रश था जैसे आपने देख लिया एंड अभी हम डिनर करने यहाँ रुक गए हैं, उसी गली में हम रुके हैं, गली नहीं मैं कहूँगी सड़क पर रुके हैं एंड अभी हम डिनर करेंगे। सो बैंड बजी हुई है, बिल्कुल थकी हुई हूँ एंड बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बोल सकूँ, सो आई विल सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट।